बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें सलामत रहें। इसी दुआ के साथ आज की करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों आज हम आए हैं लाहौर। लाहौर में आप लोगों को दिखाएंगे स्ट्रीट फूड। ये बाबा जी बैठे हुए थे, हम रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा यार इतना रश है, तो माशाल्लाह यार चलते हैं बाबा जी के पास, चेक करते हैं क्या क्वालिटी है जो इतना रश बना हुआ है। तो मेरे साथ कज़न भी थे तो हम चले गए हैं बाबा जी के पास। बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपके पास क्या क्या होता है? तो साथ में बाबा जी कहने लगे, बेटा हमारे पास आलू पराठा, साग पराठा और गोभी के पराठे होते हैं। मैंने कहा चलो यार टेस्ट चेक करते हैं लाहौर का। एक सड़क के किनारे बैठ के एक आदमी के पास इतना रश है, कुछ क्वालिटी तो होंगी यार। तो मैंने कहा बाबा जी आप ऐसा करें, दो पराठे हमारे भी लगा दें, एक आलू वाला और एक साग वाला। तो ये देख लें जी, अभी हमारे पराठे तैयार हैं। उस साइड पे ये साग पड़ा हुआ है, ये वाला। तो साथ में ये जो पड़ा हुआ है, ये वैसे ये चटनी से ऊपर डालते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हो जाए, दोस्तों के साथ ऐसी वीडियो शेयर की जाए। तो अभी ये बाबा जी इस साइड पर आ गए हैं, तो वो उस साइड पर अभी वो आटे के वो पेड़े बना रहे हैं। तो ये देख लें, तो माशाल्लाह यार एक और बात मैं आपको बताता चलूं, काफ़ी मुनासिब रेट है इनका, 20-30 रुपए का यार आजकल क्या मिलता है। तो लाहौर माशाल्लाह स्ट्रीट फूड की वजह से काफ़ी मशहूर और काफ़ी कम रेट में यार लाहौर के खाने मिलेंगे आप लोगों को। तो माशाल्लाह 100 रुपए में दो तीन बंदे आराम से लाहौर में नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तकरीबन हर 10-15 दिन के बाद लाहौर चक्कर लगता है, मैं स्ट्रीट फूड की वीडियो बनाने जाता हूं। तो मैंने कहा क्यों ना हो जाए, आप लोगों के साथ भी ऐसी वीडियो शेयर की जाए। तो मेरे साथ शफीक भाई भी थे। शफीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मजान सुनाओ क्या हाल है। शफीक भाई ये जो पराठे आपने अभी खाए हैं, इनका टेस्ट कैसा था? अच्छा था। अच्छा था, अच्छा। तो शफीक भाई भी माशाल्लाह कह रहे हैं जी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो दोस्तों अभी मैंने इनको अपना पराठा बोला है, गोभी वाला पराठा मैंने बोला है। ये ऊपर साग डालते हैं, साथ में चटनी होते हैं, तो माशाल्लाह वो ऊपर अभी जो वाइट मक्खन भी डालते हैं। तो यार 20-30 रुपए का क्या मिलता है। तो प्लीज़ मेरी सब दोस्त अब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे दोस्तों अगर आप लाहौर जाएँ तो ऐसे लोगों के साथ मिल के या ऐसे लोगों से नाश्ता लाजमी किया करें, क्योंकि ये माशाल्लाह अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। तो किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है बंदा ख़ुद का काम शुरू कर ले। यकीन माने एक सड़क के किनारे बैठ के ये काम कर रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तो मैंने इनकी वीडियो बहुत शौक़ से बनाई है, क्योंकि यार ये माशाल्लाह एक सड़क के किनारे बैठ के इतना अच्छा इन्होंने कारोबार चलाया हुआ है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों के कारोबार में बरकत डाले। तो जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देख पाए, अल्लाह पाक उनके कारोबार में भी बरकत डाले। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो ये आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो अभी हमारे पराठा जो है वो तैयार होने लगा है, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा पराठे का टेस्ट चेक करते हैं। तो साथ में कज़न है, मैंने कहा पहले आप मेरे कज़न को दें, उसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे क्या टेस्ट है, क्या मज़ेदार है। क्योंकि हमारे साथ दो दोस्त थे, कुछ दोस्तों ने खा ली हैं, तो मैं वीडियो बना रहा था, मैंने कहा यार मैं लास्ट में खाऊँगा और आप दोस्तों को इसका टेस्ट भी दिखाऊंगा और बताऊंगा। माशाल्लाह ये दोस्तों अभी मैं अपने इनसे पराठा लेने लगा हूँ। साग की रोटियाँ जो माशाल्लाह बहुत ही इसका टेस्ट है, बहुत ही रेट भी काफ़ी कम है। तो लाहौर में आज हम आए हैं वीडियो बनाने के लिए, अभी चेक करने लगे हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये देख रहे लोग साथ में बैठ के खा रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं जी, बहुत ही कम रेट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना यहाँ पे मिलता है। ये
जी साग वाली रोटियां माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। ये देख लें जी, ऊपर में साग डाल के देते हैं अभी, माशाल्लाह जी।